में दो एक्स्ट्रा हैं क्योंकि दो हरे प्याज की सब्जी। ओ देखो, छोड़ के नहीं चला सकते ना। शाम के बज चुके हैं 5 और मैं हूँ इस वक्त किचन में, मेरे बाल, और मैं इस वक्त किचन में नीचे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और घर में सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, मतलब घर का बना हुआ, बाहर का मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि बाहर वाले हलवे में क्या होता है ना, जो मार्केट में मिलता है उसमें वो लोग खोया ज़्यादा डालते हैं और गाजर को अच्छे से पकाते नहीं हैं इस। और घर के हलवे में ये होता है कि मैं तो बहुत अच्छे से पकाती हूँ उसे दूध के साथ और बहुत सिंपल बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस सीज़न की पहली गाजर आ चुकी है हमारे घर में और उसका मैं हलवा बनाने वाली हूँ। 1 किलो गाजर का भी मैं फ़िलहाल हलवा बनाऊँगी, अभी प्रॉपर तरीके से वैसे आई नहीं, तो जो मेरे पास हैं उसी से मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। और आज ठंड ज़्यादा है तो मैंने हाफ स्वेटर भी पहन ली है। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीज़न का पहला गाजर का हलवा। ये है गाजर, 1 किलो है, मतलब 1 किलो में 2 एक्स्ट्रा हैं क्योंकि 2 पिछली बार की पड़ी हुई थी, वो मैंने इसलिए रखी थी, जैसे मिक्स सब्जी बनानी हो ना तो उसमें भी मैं गाजर डालती हूँ, तो 2 वो पड़ी थी और बाकी ये है। तो मैं इसको अभी कद्दूकस कर लूँगी इससे, और कद्दूकस करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल कढ़ाई पर गैस में रख करके और उसे दूध के साथ इसको मैं पकाऊंगी और घी के साथ पकाऊंगी बस। बहुत ही सिंपल होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो चलिए फिर इस प्रोसीजर को मैं स्टार्ट करती हूँ। गाजर के हलवे के साथ साथ मैं सब्जी भी बना रही हूँ। ये देखो, ये सब्जी मैंने कट करके रख दी है, ये है हरे प्याज की सब्जी और इसके साथ मैं बनाऊंगी आलू के साथ मिक्स। वैसे बिना आलू के भी बना सकते हैं लेकिन मुझे आलू के साथ चाहिए। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे इसमें पहले ही सब कुछ मैंने कट करके रख दिया है, टमाटर और प्याज तो पहले से ही है, हरी मिर्च। तो मैं जस्ट तेल गर्म होने के बाद जख्खे का तड़का लगाऊंगी, तेल मेरे हिसाब से गर्म हो चुका है, सिंपल ही बनाऊंगी और डायरेक्ट सारी सब्जी डाल दूंगी। सब्जी डालने के बाद मैं मसाले डाल करके इस पर ढक दूंगी और गलने का वेट करूंगी, तो बहुत अच्छी होती है। हरी सब्जी को ना जख्खे बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और आजकल तो हमारे घर में तो अभी हरी सब्जी बन रही है क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने स्पेशली लोहे की कढ़ाई ले रखी है, मैं लोहे की कढ़ाई में ना बना नहीं पा रही क्योंकि कढ़ाई हो गई है बहुत बड़ी, और अभी 1-2 जनों के लिए बनाना होता है तो फिर 1-2 जनों के हिसाब से कढ़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं अभी छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ। ऐसे कोई काम कर रही हो ना, स्पेशली खाना बनाने के साइड बाय साइड में चीज़ खाती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। सारी सब्जी एक साथ डालूँ, इजी होती है, वो वाली झंझट नहीं कि पहले प्याज ब्राउन करो उसके बाद मैं टमाटर भूनो ये करो वो करो। मजा आता है ना सर्दियों में खाने पीने का, अच्छा मजा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सफाई से काम करो लेकिन ना हरी सब्जी इधर उधर हो ही जाती है। शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने अपने मंदिर में पूजा पाठ कर लिया है। वैसे 7 बजे करती थी मैं लेकिन अभी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपना अंधेरा जल्दी हो जाता है। और आज है तुलसी विवाह। ऋषि 1 मिनट इधर आना, ये जरा घर बना दो, 2 मिनट आओ यार, मुझे इसको बोलना पड़ रहा है पता है क्यों, क्योंकि मैं खुद से नहीं बना पाती और मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आज है तुलसी विवाह, तो मैंने सोचा कि अभी तुलसी माता की पूजा करके मैं आपको दिखाऊं। ऋषि लो, वैसे इससे पहले मैंने कभी
ये लीजिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, दो मिनट दो मिनट जल्दी करो, मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। पहली बार ब्लर तो नहीं आ रहा मना भी। तो आज इगास भी है, इधर देखो बहुत सारी तुलसी है। पास से ये है मेरी तुलसी माता, और बहुत जल्दी मुझे तुलसी का ये पौधा रखने के लिए एक अच्छा गमला भी चाहिए, जैसे मिलता है ना बाहर चीनी मिट्टी का जो गमला होता है, तो वो उसमें मैं शिफ्ट कर दूंगा। साढ़े छः हो गए हैं, सॉरी मैं आगे पीछे हो गई क्लिपिंग, तो ये क्लिपिंग बाद में ऐड करूँगी। तो मैं आ रखी होगी नीचे वॉक करने के पर्पज़ से भी, और मेरा बेटा भी यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा है तो उसको भी देखने के लिए। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, अभी मंदिर की साइड तुलसी पूजन हो रहा है, जिसमें यहाँ की सारी लेडीज़ बैठी हुई, और पंडित जी है ना तुलसी, ये कुछ पता नहीं अध्याय पढ़ रही है क्या। थोड़ी देर मैं भी बैठी थी, मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं, तो मुझे फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं आई, क्योंकि जहाँ रहते हो ना वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फिर भी मैं चोरी छुपे बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे, मज़ा आ रहा था सुनने में, तो अभी आपको थोड़ी बहुत क्लिपिंग में दिखाऊंगी। ये है इसमें ब्लर क्यों मारी, अब क्लियर आ रहा है, ये चल रहा है तुलसी मक्का मत और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए तत्पर करने का प्रयत्न करती रहे। हाथ छोड़ के नहीं चला सकते ना। सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एके सेकंड दिवाली। एक्चुअली मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि आप दोबारा क्यों, मामा वैसे दोबारा की क्यों लगा रहे हो, वही मेरा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में ना गांव में हम बनाते हैं, हमारी मम्मी भी बोलती थी कि अभी जैसे दिवाली जिस दिन होती है तो हमारे बम पटाखे खत्म होते हैं, हम लोग छोटे थे ना तो हमारी मम्मी कहती थी कि दिवाली के दिन कि सारे पटाखे मत फोड़ो, अभी 11 दिन बाद दोबारा दिवाली आएगी तब करना, तब मैं फोड़ूंगा। लेकिन अब समझ में आ गया है कि उत्तराखंड में 11 दिन बाद इगास मनाई जाती है, और इसलिए मैंने भी थोड़ी सी बम पटाखे तो नहीं फोड़ी, तो मैंने ये फोड़े तो मैं फोड़ दूँ थोड़े बम, नहीं लगा दिए दिखाओ। ये स्काई लैंटर्न दिवाली की हैं जो कि बच गई थी, एक्चुअली हम लोग ना इसको जलाना भूल गए क्योंकि दिवाली के दिन काफ़ी लेट हो गया था, तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो मैं ये दो पैकेट लाई थी जिससे कि उस समय तो हम लोगों ने जलाया नहीं, तो मैं इगास का ही वेट कर रही थी कि 11वें दिन हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो अभी मैं सोसाइटी से बाहर आकर के इसको जला रही हूँ क्योंकि अंदर सेफ नहीं है, किसी के घर में भी जा सकते हैं और आग लग सकती है, तो सेफ्टी पर्पज़ से मैं बिल्कुल रोड पर ही इसको जला रही थी। रोड पर भी बहुत, मतलब ये आपको वीडियो में लग रहा होगा कि रोड के बहुत नज़दीक है, पर रोड से ये काफ़ी दूर मैं जला रही हूँ पार्किंग की साइड, तो यहाँ पर काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन ये जा नहीं रहा था ऊपर, क्योंकि इसमें अभी प्रेशर आया नहीं था, एयर प्रेशर हुआ नहीं था।
पीछे आ रहा है। बुझा दो उसे, बुझा दो।